ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं जो है ये वाला जो है निंजा H2 चुरा के लाया था कंटेनर के साइट से, एंड आज जो है मैं सोचा था इसको मॉडिफाइड करूँ। एंड यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है क्या? हाँ जी, स्नोफॉल हो रहा है। तो मैं आज सोचा था कि भैया आज मैं उसको मॉडिफाइड करूँ, लेकिन यहाँ पर लॉस सेंटोस कस्टम्स में मैं आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पर आज नहीं होगा मॉडिफाइड। तो मेरे को यहाँ से एक लोकेशन दिया गया है, लेकिन वो लोकेशन बहुत ज्यादा दूर है। जो मेरे को मॉडिफाइड करके देगा उसका नाम है बैनी। तो बैनी को मैं थोड़ा बहुत पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ से जो बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं फ्री भी हूँ, तो उसकी वजह से मैं यहाँ से निकल चलता हूँ उस लोकेशन पर, जाके जो है गाड़ी को मॉडिफाइड कर लेता हूँ। बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया ब्लैक कलर का करवाओ, ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको इसलिए मैं मॉडिफाइड करने के लिए आज मैं जा रहा हूँ। ओके तो गाइस, मैंने जो है लोकेशन को यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ से मैं भी निकलता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग राइट कॉर्नर के नीचे देख सकते हो कि मेरा जो स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर एनेबल हो चुका है। एक्चुअली लॉस एंड कस्टम से मेरे को ये ठीक करके दिया गया है, यहाँ से मेरे को टर्न लेना था। ओके, एंड बाइक जो है ना, बाइक बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है, मतलब थ्रॉटल देते ही जो है भागता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही भागता है। एंड आज जो है इसका टेस्ट भी करेंगे कितना ये भागता है, लेकिन यहाँ पर मैं रोड में नहीं कर सकता इसका टेस्ट। यहाँ पर देखो हेलमेट के अंदर से देखने में कैसा लगता है, वाह, हेलमेट के अंदर से देखने का जो है एक मजा ही अलग होता है। भाई साहब मैं बच गया। ओके तो गाइस, यहाँ पर जो है हेलमेट को खोल के मैंने फेंक दिया। यहाँ से जो है एक पहाड़ी वाला रोड लेके मैं अभी जा रहा हूँ। ये वाला रोड सच में मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी होता है, मतलब व्यू बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है इधर। एंड गाइस, आज जो है ना मौसम थोड़ा सा मेरे को खराब भी लग रहा है, मतलब विंड का जो स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा आ रहा है। एंड चलो कोई बात नहीं, बस बारिश ना, बारिश तो वैसे भी अभी आएगा नहीं, बिकॉज अभी विंटर सीजन है, तो अभी बारिश का कोई चांस ही नहीं है। हो तो भाई स्नोफॉल बहुत ज्यादा आ सकता है, मतलब वो बोलते हैं ना बर्फ का तूफान, तो बर्फ का तूफान आने का संभावना आज मेरे को लग रहा है। लेस्टर ने भी बोला था कि आज जो है वेदर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तो थोड़ा सा मतलब सावधानी रहना है। यहाँ पर देखो H2 से कॉर्नर निकलने में कितना ज्यादा मजा आता है ना, आगे की तरफ देखो फॉग की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है अच्छे से। चलो मेरे को जो है हाईवे भी यहाँ पे मिल चुका है, एंड यहाँ से थोड़ा भी भगाएंगे इसको भैया, लेकिन आगे जो है मेरे को अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर देख लो भैया, टच करते ही जो है 300 पहुंच ही जाता है ऑलमोस्ट। एंड तो मैं जो है लोकेशन पर आके ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही चुका हूँ। तो यहाँ पर ये लोकेशन था, चलो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, थोड़ा सा आगे था लोकेशन। ओके ओके ओके, चलो ये वाला ही लोकेशन था। तो यहाँ पर मैं रुक के मैं जो है बैनी को मैं कॉल लगा लेता हूँ। ओके तो गाइस, बैनी को जो है मैंने यहाँ पे कॉल करके बुला लिया। बैनी ने बोला कि बस तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आ ही रहा हूँ बस। ओके तो गाइस, यहाँ पर बैनी जो है, बैनी यहाँ पर आ चुका है। बैनी जो है बाइक को अच्छे से देख रहा है, एंड अभी यहाँ पर जो है बैनी को मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से क्या रैप वगैरह करना है, मतलब मेरे को जो इसको फुल कार्बन पेपर से ब्लैक करवाना है, एंड उसके बाद एग्जॉस्ट जो है एग्जॉस्ट भी मुझे चेंज करना है मेरे को। बेसिकली बैनी का जो गराज है वो दूसरा ही गराज है, लेकिन मैं सीधा बैनी के घर तक ही आ गया, बिकॉज बैनी के साथ जो है थोड़ा बहुत मेरा जान पहचान है। तो मैं एक काम करता हूँ, बाइक को पीछे लगा देता हूँ। तो बैनी बोल रहा है कि बैनी इसको अभी, तो बैनी बोल रहा है कि रुको मैं स्टाफ को बुला लेता हूँ, उसके बाद जो है तुम्हारा काम मैं शुरू कर देता हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है बैनी ने अपने स्टाफ को बुला लिया। तो बस ये जो बंदा जो है, ये बंदा भी देख रहे हैं कैसे क्या करना है। बैनी जो है, बैनी भी बंदे को बोल रहे हैं भैया ये अपना ही आदमी है, अच्छे से काम करना है। फिलहाल जो है मेरे को जो है एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगाना है। तो बैनी मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास स्टॉक था लेकिन खत्म हो गया, एक काम करो, यहाँ पर सामने एक दुकान है एग्जॉस्ट का, तो मैं चलते हैं वहां से जाके एग्जॉस्ट भी खरीद के लाते हैं, तब तक जो यहाँ पर रैपिंग का काम भी हो जाएगा। पर ये वेल्डिंग का काम कर रहा है बंदा, तो फिलहाल अभी मैं बैनी के साथ चलता हूँ एग्जॉस्ट के शॉप पे, वहां से जाके एग्जॉस्ट खरीद के लाता हूँ मैं। ओके तो गाइस, बैनी जो है, बैनी अभी मेरे साथ चल रहा है एग्जॉस्ट के शॉप पे, वहां से जाके जो है हम लोग एग्जॉस्ट खरीद के लाते हैं। एंड बैनी बोला कि चलो मेरा ये वाला कार लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज मेरा जो है ना बाइक अभी रैप करने में बिजी है, मतलब ये बंदा अभी रैप करेगा, पता नहीं तब से देख ही रहा है बाइक को, कब ये काम स्टार्ट करेगा। तो चलो कोई नहीं, अभी जो है हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। बैनी को देखो, बैनी बिल्कुल माइकल की तरह है, सेठ लोगों की तरह पूरा पीछे बैठ गया। चलो कोई नहीं, हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं एग्जॉस्ट लाने के लिए। बैनी का यहाँ पर जो है ना, ये देखो भैया गाड़ी यहाँ पर ठुक चुका है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो अभी निकलते हैं यहाँ से। मौसम देखो आगे का कितना ज्यादा खराब हो रखा है। बैनी को देखो, बैनी बिल्कुल चिल पूरा पीछे बैठा हुआ, मतलब पूरा सेट हो की तरह पीछे बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम एग्जॉस्ट लेने के चलते हैं। ये गाड़ी जो है ना कितना ज्यादा स्लो खींच रहा है, मतलब कि स्पोर्ट्स कार चलाते चलाते जो है मेरे को आदत पड़ चुका है, तो ये सब गाड़ी मैं अभी चलाता नहीं हूँ। ओके तो गाइस, हम लोग जो शॉप पर आके पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ही सामने में गाड़ी को लगा देता हूँ यहाँ पर। चलो भैया,
एंड यहाँ पर फ्रैंकलिन का हाथ में जो है थोड़ा बहुत चोट लगा। अबे भाई नीचे तो उतर, ये मतलब बंदा अंदर ही बैठा हुआ था। तो गाइस हम लोगों ने जो है स्टोर से यहाँ से एग्जॉस्ट परचेस कर लिया, यहाँ पर एक बैग के अंदर मेरे को डाल के दिया एग्जॉस्ट। तो अभी जो है सीधा हम लोग चलते हैं बैनी के शॉप पर। ये देखो भैया बैनी फिर से अंदर ही बैठ गया। ओके तो गाइस अभी जो बैनी जो मेरे को बोल रहा है कि रैप होने में थोड़ा बहुत इधर टाइम लग सकता है, तो मैं काम करो चलो हम लोग थोड़ा सा कॉफी ऑफी पी के आते हैं। तो मैं और बैनी जो अभी जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए भैया शॉप पर। तो चलो कॉफी ऑफी पी के पूरा खाना वाना खा के उसके बाद ही चलते सीधा बैनी के शॉप पर फिर से। ओके तो गाइस यहाँ पर जो एक शॉप हम लोग को अभी देख रहा है यहाँ पर ही भैया कॉफी ऑफी पी के लंच वंच करके फिर सीधा निकलते हैं। मैं गाड़ी को जो है गाड़ी को मैं यहाँ पर ही पार्क कर देता हूँ मैं। चलो फिर बैनी आ जा, फिर निकलते हैं अभी यहाँ से। तो चलो गाइस यहाँ से जो मैं कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा गला को थोड़ा जो है ठीक कर लेता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगा था मेरे को। बैनी को देखो, बैनी देख रहा है ये बंदा पिएगा नहीं शायद। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह करके हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस अभी जो है जैसे कि आप लोग देख सकते हो शाम हो चुका है। तो बैनी का स्टाफ से कॉल आया था कि बाइक रैप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पर आप लोग वेदर देख सकते हो कितना ज़्यादा खराब होकर रखा है। मतलब मैं बोल रहा था कि आज का वेदर जो है बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। तो यहाँ से जो है जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं बैनी के शॉप पर एंड उसके बाद सीधा मैं बाइक लेके निकलता हूँ। एंड उसके बाद मेरे को जो एग्जॉस्ट भी लगा रहा है, चलो कोई नहीं एग्जॉस्ट जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। लेकिन यहाँ से सबसे पहले जल्दी जल्दी निकलते हैं अभी भैया। चलो बैनी का शॉप मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, अभी यहाँ से हम लोग सीधा सीधा निकलते हैं। एंड सच में यार मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब मेरे को लग ही रहा था कि आज मौसम ख़राब होगा। चलो यहाँ से हाईवे पकड़ के हम लोग निकल चलते हैं। ये हाईवे है क्या? ये छोटा मोटा सा एक हाईवे है। एंड ये गाड़ी जो है ना इतना ज़्यादा भागता भी नहीं। देखो मतलब 80-90 ऐसे खींचे, मतलब 112, मतलब इन सब गाड़ियों में जो है ना पिकअप पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस हम लोग जो है अभी बैनी के शोरूम आके पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये सब जो है ये सब बाइकर्स गैंग हैं। यहाँ पर गाँव में ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब किसी से भी मतलब उलझ लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। एंड ड्राइवर जो है बंदा ड्राइवर बंदा इन सबसे डरता नहीं, ड्राइवर तो भैया लड़ लेता है इन लोगों से। ओके तो चलो हम लोग जो अभी आके पहुँच चुके हैं बैनी के शॉप पर। तो गाड़ी को मैं कहाँ पर रखूँ? गाड़ी का भी घुसाने का जगह मेरे को देख नहीं रहा है। चलो यहाँ से मैं घुसा देता हूँ फिर भी गाड़ी को। देख रहे हो कितने पतले से जगह से मैंने इसको घुसा दिया। चलो कोई नहीं, गाड़ी को अभी यहाँ पर ही मैं रख देता हूँ। अबे बैनी भाई बाहर निकल तो जाओ, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। तो गाइस फाइनली जो है बाइक का सारा काम हो चुका है। यहाँ पर देखो बंदों ने कितना कमाल का यहाँ पे काम किया, मतलब कितने सफाई से काम को किया गया है। मतलब पूरा फुल्ली ब्लैक है। यहाँ पर देखो बैनी मतलब आते ही जूस पीना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पर जो गाइस एग्जॉस्ट जो है हम लोग जो लेकर आए थे एग्जॉस्ट भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पीछे देख सकते हो एग्जॉस्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। एंड बंदा जो है ना बंदे का सच में तारीफ करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया है। एंड बैनी का जो स्टाफ जो है ना बहुत ही अच्छा ही काम करता है। एंड इस वाले बंदे को देखो पता नहीं मॉर्निंग से जो ये क्या वेल्डिंग का काम कर रहा है। चलो छोड़ो इसको छोड़ो, अभी जो है बैनी को हम पेमेंट करते हैं। एंड यहाँ से सीधा मैं निकल चलता हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो गाइस अभी जो है मैं अभी निकल चुका हूँ यहाँ से बैनी के शोरूम से। एंड ये देखो भैया एग्जॉस्ट जो है कितना कमाल लग रहा है। एंड यहाँ पर बाइक देखो ब्लैक कलर में क्या खतरनाक अभी इसका लुक आ रहा है। चलो कोई नहीं अभी जो है हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा अपने घर की तरफ, मतलब लॉस सैंटोस की तरफ। बर्फ का तूफान आने से पहले जो है मेरे को जो है जाना है सीधा लॉस सैंटोस। एंड यहाँ पर देख रहे हो भैया कि बैक फायर छोड़ रहा है अभी ये वाला बाइक। ये देखो बैक फायर छोड़ता है। एंड अभी जो है हम लोग यहाँ से सीधा निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। तो गाइस फाइनली जब मैं घर आके पहुंच चुका था एंड यहाँ पर आप लोग बस एक बार नज़ारा देखो आगे का कितना बढ़िया होके रखा है। एंड अभी जो है मैं सीधा जा रहा हूँ सोने के लिए। कल मॉर्निंग को जो है मेरे को जाना है एयरपोर्ट की तरफ, मतलब एयरपोर्ट की तरफ एक काम भी है। एंड उसके बाद जो है मैं अपना बाइक का टॉप स्पीड भी चेक करूंगा। एंड मेरा जो बाइक है गाइस मेरा बाइक है घर के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे मैंने अपने बाइक को घर के अंदर ही लाके इसको पार्क कर दिया। एंड बाहर जो ना बहुत ज़्यादा ठंड होके रखा है, तो मैं जो है सीधा मैं घर के अंदर जाके सोता हूँ भी। एंड आप लोगों से जो कल मॉर्निंग को मिलता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर जो है मॉर्निंग अभी हो चुका है। अभी जो है अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मैं बाहर जस्ट निकल के एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस लॉस सैंटोस जो है पूरा स्नो से ढक चुका है। मतलब कि कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड बाइक जो है बाइक पर भी देखो पूरा स्नो स्नो स्नो। एंड फ्रैंकलिन का जो हेलमेट है हेलमेट के ऊपर भी पूरा स्नो स्नो स्नो। एंड देखो भैया पूरा लॉस सैंटोस जो है पूरा सफेद सफेद हो चुका है स्नो से ढक के।
तो अभी जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट तक, और उसके बाद जाके इसका टॉप स्पीड वगैरह भी मैं अभी आज ट्राई करने वाला हूँ, मतलब कितना खींचता है मैं आज मैं जाके देखने वाला हूँ। कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, ये बिल्ली को देखो, बिल्ली के ऊपर भी बड़ा स्नो स्नो स्नो, बिल्ली को ठंड नहीं लग रहा है क्या? एंड मेरे को ठंड लग रहा था, इसकी वजह से जो मैंने कोट वगैरह सब कुछ मैं पहन कर आया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तो ठंड लग रहा है इधर। एंड बर्फ में जो है ना बहुत ज्यादा बाइक फिसलता भी है, तो इसकी वजह से आराम आराम से मेरे को चलाना पड़ेगा बाइक को। एंड गाइस आप लोग जो इधर रोड देख सकते हो, रोड कितना ज्यादा है यहाँ पे, मतलब रोड दिख ही नहीं रहा, पूरा रोड भी सफेद होके रखा है। एंड आगे जो पहाड़ वगैरह जो था वो पहाड़ भी पूरा बर्फ से ढक चुका है, मतलब पता नहीं ये ठंड कब तक रहेगा, चलो देख लेंगे, लेकिन देखने में तो यह बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ओके तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जो है आके पहुंच चुका हूँ इधर एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट का रनवे कहाँ पर है यही मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा, चलो ये वाला ही रनवे होगा। चलो यहाँ से जो है मैं अपना आज टॉप स्पीड में यहाँ पर मैं देखता हूँ ट्राई करके कि कितना ये बाइक खींचता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बाइक को एक पोजिशन पर लेके चलते हैं, एंड उसके बाद जाके देखते हैं। यहाँ पर देखो निंजा H2 कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सफेद सफेद हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे देख रहे हो गाइस 4 सिलेंडर बाइक है भाई, 4 सिलेंडर। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर जो मैं एक रनवे पर आके पहुंच चुका हूँ, एंड यहाँ से जो मैं अपना टेस्ट करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट, सॉरी टॉप स्पीड टेस्ट। एंड यहाँ से भैया स्टार्ट करते हैं 1, 2 एंड 3। चलो 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 100 क्रॉस कर गया फर्स्ट गियर पर ही, यहाँ पर 200 भी क्रॉस कर गया, 399 के ऊपर ही और जा नहीं रहा, मतलब मेरे को पता था कि H2 जो है 390 के, मतलब H2 जो है 399 के ऊपर ही है और खींचता नहीं है, बिकॉज वहां पर ही जाके इसका स्पीड लॉक हो जाता है, तो उसके लिए जो है 399 के ऊपर ये नहीं जा रहा था। चलो फिर से एक बार टेस्ट कर देखते हैं कि 400 टच करता है कि नहीं। चलो यार लगा बताना नीचे कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर कोई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो यार गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलो बाय बाय। मैं क्या सोच रहा हूँ कि लॉस एंजेलिस जो है पूरा बर्फ से ढक चुका है, तो एक ड्रोन शॉट का मजा ले लिया जाए, तो एक ड्रोन शॉट लेके वीडियो को एंड करते हैं। With the